हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम किसी लेक्चर के बारे में या फिर स्टडी नोट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका माइंडसेट, आपकी सोच। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नो मैटर अगर आप एक बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हो, एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, या कोई पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हो, या फिर ट्वेल्थ में हो, आपके जो अभी की पर्सनालिटी है, आपकी जो अभी की हैबिट्स हैं और आप जैसा बनना चाहते हो, उसके बीच में 95% लोग ऐसे होंगे जिनके इन दोनों पर्सनालिटीज़ में डिफरेंस होगा। मतलब आप जैसे हो और जैसा आप होना चाहते हो, उसके बीच में एक गैप होगा। तो हम सब इसी गैप को पूरा करने के लिए, अपने सबसे अच्छा जो वर्जन है उसको बनने के लिए परेशान हैं। लेकिन हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। हर रात में आप डिसाइड करते हो कि कल से मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसी हो जाऊंगी, लेकिन आप बार बार अपने उसी पुराने पैटर्न में वापस होते जाते हो। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका कोई इलाज है, क्या कोई ऐसा अप्रोच है जिससे कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने हैबिट्स को चेंज कर सकें और एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़ सकें, तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जल्दी में ही, मैं हाल ही में एक ऐसे ही सॉल्यूशन के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने आपसे शेयर करने के लिए सोचा कि स्टूडेंट्स को या फिर हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग भी हमसे गाइडेंस लेते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अपनी दिमाग के साथ आपको कैसे बातें करनी है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, उसमें एक बुक थी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, इसके बारे में आपसे बात की थी। तो उसी कड़ी में मुझे एक सॉल्यूशन का पता चला जिसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। तो आइडेंटिटी शिफ्ट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और इसे किस तरह से हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे कि हम बेटर रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ें, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। अब आइडेंटिटी शिफ्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे कोई वर्ड कहती हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आपसे एक तमिल फिल्म का हीरो, ठीक है, तो आपकी लाइफ, आपके जो है ब्रेन है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे, आप इमेजिन कर रहे होंगे। आप प्लीज़ आँख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करिए। जब मैं बोलती हूँ एक बॉलीवुड का हीरो, ठीक है, तो आपके माइंड में किसी का चेहरा आता होगा, उसकी स्टाइल आती होगी। अगर मैं कहूँ कि उसका स्टाइल कैसा होगा एक बॉलीवुड के हीरो का, या फिर वो चलता कैसे होगा, वो बातें कैसे करता होगा, उसका दबदबा कैसा होगा, तो आपके दिमाग में एक एक उसकी रूपरेखा तैयार होगी कि हाँ, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इमेजिन करिए एक फार्मर के बारे में, तो आप फार्मर को कैसा इमेजिन करेंगे कि फील्ड में वर्क कर रहा होगा, मेहनती होगा। मे बी अगर मैं उससे उसकी क्लॉथिंग के बारे में आपसे पूछूंगी, तो आप उसके बारे में भी इमेजिन करोगे कि हाँ, वो कुछ ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथिंग किया होगा, ठीक है। फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग को इमेजिन करिए, तो उसके भी कंपोनेंट्स होंगे। अब जहाँ तक होती है विजुअलाइजेशन की बात, तो ये क्या कर रहे हैं आप, किसी एक शब्द को सुनकर आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि आपने अभी तक उसी तरीके से उन चीज़ों को देखा है, ठीक है। तो आप हर चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, मतलब हमारे दिमाग में हर चीज़ को लेकर एक स्टीरियोटाइप है। जब मैं बोलती हूँ शेर, तो आपके दिमाग में शेर की ही इमेज बनती है, आपके दिमाग में मोर की इमेज नहीं बनती शेर बोलने पे, ठीक है। हर एक चीज़ का एक तय नज़रिया है हमारे दिमाग में और हमारे समाज में भी। जैसे कि अगर मैं शेर बोलती हूँ, तो आप इमेजिन करेंगे कि हाँ, उसके मेन होगा, मतलब उसके बाल होंगे, और आप ये इमेजिन नहीं करते कि शेर का पंख होगा, क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ इमेजिन करने के लिए कि आपका आइडियल सेल्फ क्या है, मतलब आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो सकता है आप में से कोई अपने आप को एक सक्सेसफुल सिंगर बनना देखना चाहता हो, एक कोई सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनना देखना चाहता हो, या सक्सेसफुल डॉक्टर बनना देखना चाहता हो, ठीक है। ये हो गई ऊपर की बात। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप उस आइडियल पर्सन के जो है मॉर्निंग में जाइए, तो क्या वो इंसान सुबह उठता है या वो इंसान लेट में उठता है, जो आपका आइडियल सेल्फ है। सपोज करिए मेरा एम है एक आर्मी ऑफिसर बनने का, ठीक है, तो अब मैं इमेजिन करूं कि आर्मी ऑफिसर सुबह क्या करता होगा। अगर वो एक सक्सेसफुल जनरल है, तो वो सुबह क्या करता होगा, क्या वो सुबह देर तक सोता होगा, क्या वो 12 बजे उठता होगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर है, तो वो सुबह जल्दी उठता होगा, उसकी एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ होगी। और फिर मैं उस लाइफ को अपने आप से कंपेयर करूँगी,
कि क्या मैं अभी वो लाइफ जी रही हूँ या मैं जैसी लाइफ जी रही हूँ, क्या यही करके मैं उस लाइफ तक मैं पहुँचूंगी। सपोज करिए अभी मैं 12 बजे उठती हूँ और मुझे बनना है आर्मी का जनरल, तो अभी मैं जब पूरी लाइफ अपने 12 बजे जग रही हूँ तो कैसे मैं अचानक से जाकर वहाँ पर 5 बजे उठने लगूंगी कंफर्टेबली? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सडन शिफ्ट्स पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने दिमाग में आपको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? अगर आपने अपने ब्रेन को सेट कर लिया तो एक्शंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, सारी दिक्कत यहाँ पर है। अगर आपने इसको सेट कर लिया तो सारे एक्शंस अपने आप होते जाएंगे, ठीक है? सारे जो कोडिंग करनी है आपको वो दिमाग में करनी है, बाकी एक्शन वो अपने आप होने लगेगा जब आपका माइंड उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ें जो है रिजर्व करवानी है, आपको माइंड में ये चीज़ का ठप्पा लगवाना है कि अगर मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है कि मैं जहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ वहाँ नहीं पहुँचूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अब जैसे आपने बचपन में कोई कहानी सुनी थी कि कोई दादी नानी ने किसी ने भी आपको ये कहानी सुनाई कि यहाँ मत जाना, यहाँ पर भूत है, तो ये चीज़ बचपन में अगर आपके दिमाग में घर कर गई तो आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे तो आपको थोड़ा सा मन में डर लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो था। उसी तरह से अगर कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि डरने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। अगर आपको ये भ्रम है कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है, या आपको भ्रम है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आपके अपने बारे में कोई चीज़ें हैं भ्रम है, तो आपका माइंड उसी को फॉलो करता है जब जब तक कि आप उसको बताते नहीं है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट अनटिल अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, रेस्ट और मोशन जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए। उसी तरह से आपका भ्रम भ्रम ही बना रहेगा जब तक आप उसे बाहर से फोर्स लगाकर प्रूव नहीं करेंगे कि ये भ्रम था, ठीक है? तो उसी तरह से आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठानी है कि अगर मैं आज ये हैबिट को चेंज नहीं करूँगा करूँगी तो मैं जो बनना चाहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये सिंपल सी बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है, ठीक है? टाइम लेकर अपने आप से बात कर कर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक बार अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है? तो आपको ऐसा सोचना है कि जो चीज़ आप बनना चाहते हो, जो चीज़ आप बनना चाहते हो, जो चीज़ आपका एम है, वो अगर आप ऑलरेडी होते तो क्या आप जो अभी अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी अप्रोच है चीज़ों को लेकर, क्या आपकी अप्रोच अभी भी वही रहती? जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है? अब आप आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो अब आप ऐसा सोचिए, अगर मैं उतना बड़ा बिजनेसमैन होता तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे डील करता? क्या मैं परेशान हो जाता? क्या मैं इस परेशानी से हार जाता? क्या मैं इस छोटी सी प्रॉब्लम से हार जाता? या कैसे डील करता? मतलब आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो इससे कैसे डील कर रहा है? हमारे दिमाग में अक्सर क्या होता है कि जब हम चीज़ें सही करेंगे तब हम जाके परफेक्ट बनेंगे, बट आपको चीज़ें ऐसी करनी है जैसे आप ऑलरेडी परफेक्ट हो। परफेक्ट इन द सेंस मतलब अपना बेस्ट वर्जन, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट, हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी और आपको उसी पे काम करते रहना होगा। अपनी कमी आपको ढूंढ के उसको सही करना, यही शायद लाइफ है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बस आपको अब हम अपने जो पूरी वीडियो थी उसको समराइज़ करते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हुआ कि आपको एक अपना आइडियल सेल्फ विजुअलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दिमाग में कि एक्चुअली मैं आपको चाहिए क्या, आप बनना क्या चाहते हो। फिर आपको दूसरा पॉइंट ये है कि उस इंसान के जो डेली लाइफ होगी, जो अप्रोच होगी, कैसी होनी चाहिए, जैसी आइडियली होनी चाहिए, आप उसके अंदर जाइए, उसे एक एक चीज़ नोट करिए कि वो ऐसा करता होगा, वो ऐसा करता होगा, वो खाना ऐसे खाता होगा, वो ऐसे बातें करता होगा, वो ऐसी सोच रखता होगा, वो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करता होगा। सपोज़ करिए अगर आप अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में दिन में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और आपका सपना है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, तो क्या ये फ़ोन चलाना आपके स्पोर्ट्स पर्सन बनने में आपकी मदद कर रहा है, या फिर प्रैक्टिस करना आपके स्पोर्ट्स पर्सन बनने में आपकी मदद कर रहा है? तो सेकेंड पॉइंट है, आपको उस पर्सन का जो लाइफ स्टाइल है वो लिखना है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपको वो आइडियल पर्सन लिखना है, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि हीरो के बारे में बताया जाता है कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, सिमिलरली आप अपने लाइफ के हीरो,
तो आपको उस हीरो के बारे में आपने कॉपी में लिखना है या डायरी में लिखना है, और थर्ड है आपको उसी के जैसे मतलब रोल प्ले करना है, ठीक है ना। जैसे एक एक्टर किसी कैरेक्टर को प्ले करता है, उसी तरह से आपको अपने बेस्ट सेल्फ का कैरेक्टर प्ले करना है, रोल प्ले करना है, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप ऐसे ही उसका कैरेक्टर प्ले करते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप खुद ही वो कैरेक्टर बन जाएंगे। तो यही एक हैबिट चेंजिंग का एक अच्छा सॉल्यूशन है, आइडेंटिटी शिफ्ट। मतलब आप अभी जो अपने स्ट्रगलिंग वाले आइडेंटिटी में हो, दिमाग में आपको यही है ना कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको बदल के आप क्या करिए, ये सोचिए कि मैं ऑलरेडी अगर सक्सेसफुल होता तो मैं क्या करता। अभी हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं पैसे मेरे पास पैसे होते, मैं सक्सेसफुल होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। ऐसे आप ये इमेजिन करते हो कि जब आपके पास पैसे होंगे तो आप ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, यहाँ घूमने जाओगे, वहाँ घूमने जाओगे। उसी तरीके से आपको ये भी इमेजिन करना पड़ेगा कि वो पर्सन कैसा होगा जो इतने पैसे कमाता होगा, वो पर्सन कैसा होगा जो इतना सक्सेसफुल होगा, वो पर्सन कैसा होगा जिसके पास इतनी प्रसिद्धि होगी, ठीक है। तो उस पर्सन की आदतें आपको प्ले करनी, और धीरे धीरे आप उस पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली तो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।